नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप काफ़ी देर से यहाँ पर हैं, इस तपती धूप में भी हजारों की तादाद में लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे लोग, बिहार में परिवर्तन का संकेत है। ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा इलाका जहाँ कई विचारधाराओं का संगम है, और उस संगम में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहरा रहा है कितना मजबूती से, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ मिला होगा। मेरे कहने से ज़्यादा आप देखे होंगे इस बात को। राष्ट्रीय जनता दल का रिबेल बहुजन समाज पार्टी का दावेदार है, कितना डेंट कर पाएंगे? बसपा यहाँ एक फैक्टर रहा है, तीसरा पोर बनाता रहा है लंबे समय से, 1985 से, लेकिन 1985 से आज तक कभी विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को परास्त नहीं कर पाया, कभी भी नहीं, आज भी नहीं। इनसे मजबूत लोग पहले लड़े हैं, ये पूर्व विधायक हैं, इससे पहले भी पूर्व विधायक लोग लड़ चुके हैं। ये तो सड़स्थली है बागियों के लिए। बसपा का इतना जनाधार इस इलाके में है कि जो बागी बनते हैं वो चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते राजनीति में, वो घर चले जाते हैं लोग। जगदानंद की राजनीति की जब भी बातचीत होती है तो वो बातचीत समाजवादी धारा के इर्द गिर्द होती है। आप एक बार दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ भी चले गए, उसका कोई रिग्रेट है? नहीं, मुझे कभी रिग्रेट नहीं है। मैं मूलतः कांग्रेस विरोधी आदमी हूँ और हमारा जो विचार परिवार, जो समाजवादी आंदोलन, यह दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति में कांग्रेस को हमको फिर मदद करना है, वो करेंगे हम लोग। और मैं ये दुर्भाग्य है, हाँ दुर्भाग्य है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं रहा, मैं पब्लिक के तौर पे, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। वैचारिक रूप से दोनों एक ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे कुछ कांग्रेस से कोई लेना देना भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। पार्टी का गठबंधन है, मैं उनको मदद करूंगा। मुकेश सहनी, अभी हाल तक भी जब आप नारेबाजी कर रहे थे, हमने जो सोशल मीडिया पर आपके फुटेजेस देखे तो उसमें मुकेश सहनी का भी जिंदाबाद था और उपेंद्र कुशवाहा का। अब उपेंद्र कुशवाहा भी दूसरी तरफ हैं और मुकेश सहनी भी दूसरी तरफ हैं, इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से? मैं समाजवादी धारा के दोनों जो संगठन रहे हैं, जिनका ओरिजिन समाजवाद रहा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, दोनों संगठन का, हम लोगों की इच्छा थी कि हमारे साथ रहें। अब किन्हीं कारणों से एक दक्षिणपंथी ताकतों के साथ गए हैं, एक अपने अन्य जगह पर गए हैं, वो अपने कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से गए हैं। वैचारिक आधार पे हमसे कोई उनका मतभेद नहीं रहा और आप जानते भी हैं कि जो लड़ाई भी है वो सीटों की संख्या को लेकर गए हैं, विचारधारा के आधार पे हमसे उनका लड़ाई कोई नहीं है। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिहाज से नौजवानों, युवाओं के लिए आपके पास क्या है? मेरे पास लंबा दृष्टिकोण रहा है शुरू से। मैं जब से दिल्ली विश्वविद्यालय से आया तो रोजगार कैसे मिले इसकी लड़ाई मैंने लड़ा, और इसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने यूनिटों को खड़ा किया था, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, जिसको नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उसको बंद कराने का काम किया। वो आज भी हमारे पास वो विजन है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम फिर उस विजन को आगे बढ़ाएंगे। एक जो फार्म बिल को लेकर के आप लोग लगातार, आपकी भी पार्टी सड़कों पर उतरी थी मगर वो पार्टी ही उतरी थी, किसान नहीं उतर पा रहे हैं, क्या वजह है? इसका वजह है कि हम जो जो भारत की जो मीडिया है वो एक तरफा संवाद कर रही है, वो दिल्ली सरकार की बात को आगे तक ले जा रही है और हमारी बातों को खारिज कर रही है, हमारे आंदोलन को खारिज कर रही है। पूरे आप देश में देखिए, जहां आंदोलनरत हैं किसान भी, उनकी बातों को प्रमुखता से नहीं कोई ले रहा है। जो ट्रेडिशनल जो मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए थोड़े बहुत दिखते हैं आंदोलन हमारे, और हमारा व्यापक आंदोलन है और उस आंदोलन से हम लोग का पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, ये हमारे लिए सब जीवन मरण का सवाल है। एनडीए का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार को ही वो लोग आगे करके लड़ रहे हैं, हालांकि उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का एक जो नया एंगल आया है वो आया है, मगर क्या तेजस्वी यादव काफी हैं नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए? देखिए, व्यक्ति कभी अकेले व्यक्ति कहीं रिप्लेसमेंट नहीं होता। देखिए, धाराओं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई में एक धारा का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, और किसी भी विचारधारा का एक समय होता है जो नेतृत्व करेगा ही, बिना व्यक्ति के नेतृत्व का कोई लड़ाई होती नहीं। तो ये केवल अकेले तेजस्वी जी की लड़ाई नहीं है, ये समाजवादी धड़ा का जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हजारों लाखों नौजवान उनके साथ आज खड़ा है इस सवाल को लेकर के।
ये जिस हाईवे के किनारे हम खड़े हैं वो हाईवे पर भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम जब बीते समय रिपोर्ट कर रहे थे तो बालू खनन और इसी रास्ते से होते हुए चाहे वो करनासा का पुल टूटना हो, इसको लेकर के अगर आप यहाँ से जीतते हैं या आपकी सरकार बनती है तो कुछ सोचा है उसके बारे में? हम लोग तो इस बात को लेकर चुनाव हारे हैं। हम ओवरलोडिंग के खिलाफ जब भी अभियान चलाते हैं राजनीतिक तौर पे, तब चुनाव में मेरा वोट घटता है। और हम इस आंदोलन को पीछे हटते नहीं, हारने के बाद भी हम इस आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि इसे वोट घटता है, बढ़ता नहीं है। आंदोलन चलाने से ये समस्या है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक बड़े रोजगार का अवसर भी है ये बालू खनन। एक और बालू खनन से लाखों लोग को रोजगार मिलता है। वो केवल एक ओवरलोडिंग का मसला है जिसको हल करना बिहार सरकार का काम है, लेकिन ये बिहार सरकार नहीं हल करना चाहती, क्योंकि अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की वसूली है प्रतिदिन ईजीटी रोड पर, और इस वसूली को सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पे जाता है, और इसीलिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन एक दो दिन अभियान चलाने के बाद बंद कर देता है अभियान। आप जब 2010 में लड़े, हार मिली, फिर 2020 में लड़ रहे हैं, जीत या हार के बरक्स, अगर जीत मिलती है तो ठीक, हार मिलती है तब? हम यही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, समाजवादी धारा के साथ? मैं समाजवादी धारा के साथ मैं यही हूँ, यही मिलूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुधाकर सिंह।